हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मल्टीबैगर वर्ल्ड। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में जो कि डिविडेंड देने में काफ़ी बेहतर है और रिटर्न देने में भी बहुत ही बढ़िया स्टॉक माना जाता है, जिसका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, बैनको इंडिया। ये बैनको इंडिया जो है वो कूलिंग सिस्टम जनरेट करता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, जो कि आपके कमर्शियल व्हीकल हैवी हो चाहे लाइट हो, सभी में इनका कूलिंग सिस्टम लगा होता है, यानी कि कूलिंग इंजन बनाने के लिए कंपनी जानी जाती है। और इनका जो फोकस है वो इंटरनेशनल मार्केट पर ज़्यादा है, जहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके, और यहाँ R&D पर भी ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। और डिविडेंड जो कि 20 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया था इन्होंने 2 महीने पहले, यानी कि पिछले क्वार्टर रिजल्ट में इन्होंने 20 रुपीज़ से ज़्यादा का डिविडेंड अनाउंस किया था, यानी कि डिविडेंड भी हाईली यहाँ पर दिया जाता है। 190 के स्टॉक पर अगर 20 रुपीज़ का आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो इससे अच्छा स्टॉक्स कौन सा हो सकता है। तो ये एक मल्टीबैगर स्टॉक भी है जिसने अभी तक अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं और आने वाले टाइम में भी आपको अच्छे रिटर्न देगा। हालांकि ये आपको 100 गुना वाला स्टॉक नहीं है, जैसे कि आपको यूट्यूब पर फेक वीडियोस देखने को मिलते हैं, तो ये 100 गुना या 50 गुना रिटर्न देने वाला स्टॉक नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको 5 से 10 गुना रिटर्न दे सकता है, और रिटर्न के साथ साथ आपको ये यहाँ पर डिविडेंड भी देता है, यानी आपको यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न मिलना तय है। तो यहाँ पर इस स्टॉक के बारे में हम पूरी डिटेल में जानने वाले हैं। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा में शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाएँ और इस स्टॉक के प्राइजेस जो हैं वो तेज़ी से ग्रो कर पाएँ। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मल्टीबैगर वर्ल्ड, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस, कंपनी के बारे में हम डिटेल में यहाँ पर जानने वाले हैं। तो कंपनी के बारे में यहाँ पर मैं आपको बता दूँगी, कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई दोनों ही फील्ड में काम करती है, और यहाँ पर जो है इंजन कूलिंग मॉड्यूल सिस्टम ये मैन्युफैक्चरिंग करती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। और सप्लाई की बात करें तो यहाँ पर ये डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट दोनों ही जगह सप्लाई करती है। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1961 से, इस कंपनी की शुरुआत हो चुकी थी। और कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है ये भी देख लीजिए। तो इंजन कूलिंग मॉड्यूल सिस्टम सच एज यहाँ पर रेडिएटर भी जनरेट करती है, यानी मैन्युफैक्चर करती है, और यहाँ पर आपके चार्ज एयर कूलर्स भी बनाती है, फ्यूल कूलर्स भी बनाती है, और ऑयल कूलर्स भी बनाती है, और कंडेंसर्स भी बनाती है। और इसे बनाने के लिए ये यहाँ पर कॉपर का भी यूज़ करते हैं और एल्यूमिनियम का भी यूज़ करते हैं। जिसकी डिमांड ज़्यादा बनी हुई है वो है एल्यूमिनियम कूलर्स की, जिसका यूज़ किया जाता है पैसेंजर कार्स में, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में, और एग्रीकल्चर फील्ड में जो ट्रैक्टर यूज़ किए जाते हैं, हाई परफॉर्मेंस बाइक्स होती हैं, हार्वेस्टर्स होते हैं, और जो कंस्ट्रक्शन में मशीनें यूज़ की जाती हैं उन सभी में, और पावर जनरेटर इक्विपमेंट, ट्रैक्टर, रेल आइकोमोटिव्स एंड अदर सिमिलर इक्विपमेंट, जो भी इससे मिलते जुलते इक्विपमेंट हैं जहाँ पर कूलर के यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर इनकी सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है। और इनके जो पार्टनर्स हैं इनको भी देख लीजिए, ये आपके जाने माने पार्टनर्स हैं, अशोक लेलैंड, आइसर मोटर्स, महिंद्रा, गोदरेज, इंडियन रेलवे और भी कई सारे पार्टनर्स। और सिर्फ इन्हें ही नहीं, ये अपना 75% जो सप्लाई है वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनीज को भी सप्लाई किया करते हैं। और जो इनका रेवेन्यू जनरेट होता है वो कहाँ से होता है, एल्यूमिनियम रेडिएटर में अगर देखा जाए तो 46% रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कि पहले 79% जनरेट किया करता था, यानी कि डिमांड एल्यूमिनियम रेडिएटर की ज़्यादा बनी हुई है। कॉपर ब्रास में देखें तो कॉपर ब्रास जो रेडिएटर हैं यहाँ पर 14% का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जो कि पहले 21% का रेवेन्यू जनरेट किया करते थे। और यहाँ पर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट से इनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है 66% का रेवेन्यू जनरेट होता है इंटरनेशनल मार्केट से, जो कि पहले 59% हुआ करता था। ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि यहाँ पर इन्होंने अपना रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से ज़्यादा बढ़ाया है। इंडियन मार्केट में यहाँ पर 34% कर दिया है, जो कि 41% हुआ करता था। डोमेस्टिक मार्केट में रेवेन्यू कम आ रहा था, इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा डिमांड होने की वजह से वहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ पर अब इनका फोकस है इंटरनेशनल मार्केट में और ज़्यादा सप्लाई बढ़ाने का, ताकि इनका रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ सके। अगर रेवेन्यू और बढ़ता है तो यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने के साथ साथ इनके प्रॉफिट्स भी बढ़ सकते हैं, तो ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात की जाए तो इनकी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसकी कैपेसिटी यहाँ पर देखी जाए तो 3.33 मिलियन की एनुअली यहाँ पर इनकी कैपेसिटी बनी हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंडिया में इनके 6 सेल्स एंड लॉजिस्टिक ऑफिसर्स बने हुए हैं, और बाकी के जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर इन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है काफ़ी सारी कंपनीज के साथ, ताकि इनके ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर इंटरनेशनली रेवेन्यू बढ़ सके। और इनकी सब्सिडियरी कंपनीज की बात की जाए तो नीदरलैंड में इनकी एक सब्सिडियरी कंपनी है,
जिसका काम है रेडिएटर और कूलिंग सिस्टम और अदर प्रोडक्ट को बनाना, जहाँ से इनका रेवेन्यू जो है 26% जनरेट हो जाता है। और इसी कंपनी के 9 और सब्सिडरी कंपनी हैं और 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी लगी हुई हैं और 19 वेयर हाउसेस हैं जहाँ से पूरा माल सप्लाई किया जाता है टोटल 80 कंट्रीज़ में, यानी कि पूरे यूरोप में यहीं से सप्लाई होता है। और इसकी एक और सब्सिडी कंपनी है जो कि है बैनको गैसकेट्स, जो कि यहाँ पर इंजन सीलिंग सिस्टम्स में काम में आती है। गैसकेट ये भी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जहाँ से इनका 8% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर 0.5% का रेवेन्यू जितना भी इनका आता है वो यहाँ पर R&D में यूज़ किया जाता है। और इनकी फोकस की बात की जाए तो यहाँ पर ये अपना फोकस बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगाना चाहते हैं यूरोप और अमेरिकन मार्केट में। और अब हम इनके देखते हैं फाइनेंशियली, तो यहाँ पर जो अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है करंटली 197 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप देखेंगे तो 1408 करोड़ का इनका मार्केट कैप बना हुआ है। प्रॉफिट्स देखेंगे 141 करोड़ का इनका प्रॉफिट निकल कर आया था, जो कि इसके डेट से ज़्यादा है, यानी कि इस कंपनी को आप डेट फ्री कंपनी कह सकते हैं। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 10.2% का डिविडेंड यील्ड बना हुआ है, यानी कि डिविडेंड देने के लिए भी ये कंपनी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसका लो और हाई देखा जाए ईयर का, तो 118 का लो और 270 का हाई बनाया हो, यानी कि अभी आपको ये काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस पर देखने को मिल रहा है। प्रोज एंड कॉन्स की बात की जाए तो अब जो इसका रिजल्ट आ सकता है वहाँ पर इसका और अच्छा परफॉर्मेंस निकल कर आ सकता है, और डिविडेंड यील्ड के लिए भी इसका नाम बहुत ऊपर आ चुका है। कंपनी का यहाँ पर आप चार्ट पर परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि कंपनी की जो शुरुआत हुई थी स्टॉक मार्केट में 2006 से, ये मार्केट में लिस्ट हो गया था 2006 के एंड से यानी दिसंबर से, और यहाँ पर इसने जो हाई बनाया था 277 रुपीज़ का ये हाई बना चुका है, और फिर डाउन जाकर वापस ऊपर की तरफ उठा है, और यहाँ से थोड़ा बहुत डाउन अगर हो सका तो होगा और वापस उठकर यहाँ पर 300 तक भी जा सकता है कुछ ही टाइम में। और यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्ट देखी जाए तो रेवेन्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूसली यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट के बाद इंक्रीमेंट देखने को मिला है, और यहाँ पर 500 करोड़ के रेवेन्यू जो जनरेट किया करता था, अब यहाँ पर जून 2022 में देखा जाए तो 586 करोड़ का यहाँ पर इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। प्रॉफिट्स की बात की जाए तो यहाँ पर मार्जिन में थोड़ी बहुत गिरावट आने की वजह से यहाँ पर आपको हल्का सा फॉल देखने को मिलेगा, जो कि चिंता की कोई बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए अब भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो यहाँ पर आपको एनुअली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखनी बहुत ही ज़रूरी है, जो कि देखा जाए तो पिछले साल सेप्टेम्बर में 990 करोड़ का यहाँ पर जो प्रॉफिट दर्ज किया गया था वो अब बढ़कर 982 करोड़ का हो चुका है। और ईयरली यहाँ पर पूरी की पूरी रिपोर्ट देखी जाए तो यहाँ पर भी आपको कंटिन्यूअसली रेवेन्यू बढ़ता हुआ नज़र आ रहा होगा। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो 67.88% की यहाँ पर होल्डिंग बनी हुई है, और 31.36% की पब्लिक के पास होल्ड है, और यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर भी अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए 0.74% की होल्डिंग रखे हुए हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो अभी के लिए गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।